वहीं अब आपको बताएं मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन वाली ठंड का सितम आज भी जारी रहेगा। हालांकि कल से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगले हफ्ते बारिश की भविष्यवाणी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का आज आखिरी दिन है। यूपी हो या राजस्थान, एमपी हो या पंजाब, या फिर हो देश की राजधानी दिल्ली, आधा हिंदुस्तान ठंड से परेशान है। लेकिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी से निजात आज भी नहीं मिलने वाली है। मंगलवार को दिल्ली समेत कई राज्यों में पारे ने गोता लगा दिया। दिल्ली का मिनिमम तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा। हड्डियों को गला देने वाली सर्दी अभी विदा भी नहीं हुई है कि मौसम विभाग ने एक और भविष्यवाणी कर दिल्ली वालों पर मानो बिजली गिरा दी हो। मौसम विभाग के मुताबिक आज से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो जाएगा, जिसका असर कल से दिखना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि गुरुवार से शीतलहर की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही इस ठंड के मौसम में बारिश की भी एंट्री हो सकती है। 21 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश कहर बरपा सकती है। इनमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। बारिश के साथ ही कई इलाकों में ओले गिरने का भी अनुमान जताया गया है। 23 और 24 जनवरी को कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। जाहिर है मौसम के प्रचंड प्रहार से अभी निजात मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ठंड जाएगी तो बारिश आएगी, यानी एक मुसीबत जाने वाली है, दूसरी सिर पर सवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।